प्रविनोद कुमार, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दी वीके स्कॉलर एजुकेशन डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव। सो इन दिस वीडियो विच इज़ वीडियो नंबर 6, आई विल डिस्कस विद यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन कंसिडर किए गए हैं वो UGC नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन December 2006 से लिए गए हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम December 2006 क्वेश्चन पेपर। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंसीडरेशंस इन डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉरपोरेट। व्हाट आर द कंसीडरेशन, कंसीडरेशन को आप कह सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, व्हाट आर द वेरियस वेरिएबल्स विच आर कंसीडर्ड इन दी डिजाइनिंग ऑफ एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। कि जब कोई कंपनी अपने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करती है तो उसकी डिजाइनिंग करते वक्त किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। अब नीचे जो है एक्सप्लेनेशंस में काफ़ी फैक्टर्स लिखे गए हैं जो कि अहम रोल प्ले करते हैं एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। ओके, तो कौन कौन से वेरिएबल हैं, तो सबसे पहला आपका है रिस्क। सो दिस इज द रिस्क। सेकेंड वन इज द जस्ट ए मिनट रिस्क सेकेंड इज फर्म इज द रिस्क सेकेंड इज कंट्रोल ऑफ द फर्म थर्ड वन इज द प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी अहम रोल प्ले करते हैं। तो रिस्क में हम इंक्लूड करते हैं द बिजनेस रिस्क विच इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स यूज ऑफ डेट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, कंट्रोल ऑफ द फर्म, आपको पता है कि एक फर्म का, एक कंपनी का जो कंट्रोल है वो किसके पास रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। यदि आप ज़्यादा लिवरेज यूज करते हैं तो शेयर होल्डर्स का जो ओनरशिप और जो कंट्रोल है वो फर्म के ऊपर कम हो जाता है। ओके, तो अगर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो मोर इक्विटी यूज करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज विद रेफर्स टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दिस इज़ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, यदि कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो हम ये बोलते हैं कि दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, सो दूसरा इसका आंसर क्या होता है कि व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक कंपनी कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस विद ग्रेटर फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, जब कोई कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को लोन कैपिटल की मदद से कैरी आउट करती है तो और अपने इक्विटी कैपिटल बेस को लो रखती है। ओके, एंड यूज ए हाई अमाउंट ऑफ बोरोड फंड्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, सो अल्टीमेट जो रिटर्न ऑन इक्विटी इज फाइनली वेरी हाई। ओके, तो इसका कारण काम क्या होता है कि आप अगर ज़्यादा लिवरेज यूज करते हैं तो जो लिवरेज की जो कॉस्ट है वो रेट ऑफ डिविडेंड से लो होती है। ओके, बिकॉज डेट कैपिटल इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ज़्यादा लोन कैपिटल लेने से यदि उसका EPS के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो हम ये मानते हैं कि देर इज ए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएबल है डैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ द कंपनी, पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग, टाइम ऑफ इशू, टैक्स प्लानिंग, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री और कंसल्टिंग लेंडर्स एंड बैंकर्स। ओके, सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। ओके, तो फर्दर एग्जामिनेशंस में भी ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर एक फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है
और इसका आंसर जो है, जो भी आपके पास नोट्स मौजूद हैं या जो भी सोर्स आप पढ़ने के लिए, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के लिए यूज करते हैं, तो हर एक की एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़िए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. सो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में के वेरियस स्टेप्स क्या है? तो बेसिकली मैं आपके साथ दो टू आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगा. एक स्टेप्स में सात, एक प्रोसेस में सेवन स्टेप्स हैं और दूसरी प्रोसेस में फाइव स्टेप्स हैं. ओके, तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चंस फर्दर एग्जामिनेशंस में आ सकता है. तो सबसे पहला जो आंसर है वो है स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस. पहले हम ये पढ़ लेते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, सेकेंड इज फिक्सिंग प्रायोरिटीज, थर्ड वन इज इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट, इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू. सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स आर, ओके, नंबर वन, सबसे पहला हम कंसिडर करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. ओके, उसके बाद आएगा इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स. इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल्स, इवेल्युएशंस किसके थ्रू किया जाएगा? टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स के थ्रू और जो है ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू. तो टाइम एडजस्टेड में आपको पता है एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंसीडर करते हैं, और ट्रेडिशनल में एआरआर और आपका पे बैक मेथड. ओके, सो इवेल्युएशन. उसके बाद फिक्सिंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट. ओके, जो अनडिजायरेबल प्रोजेक्ट है उनमें पैसा नहीं लगाया जाएगा और जो डिजायरेबल प्रोजेक्ट है उनको जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाएगा. ओके, उसके बाद आता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट. प्रायोरिटीज फिक्स करने के बाद इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर सिलेक्टेड और उनके लिए एक ब्रॉड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट को तैयार किया जाता है. उसके बाद होगा इम्प्लीमेंटेशन. ओके, और फाइनली देर इज ए परफॉर्मेंस रिव्यू. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री. नेक्स्ट इज प्रोसेस, आप देखिए नेक्स्ट में. सो दे स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, पहला ये लेफ्ट साइड वाला आंसर पढ़िए. इसमें क्या है कि सबसे पहला जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. स्क्रीनिंग का जो पॉइंट था वो इस क्वेश्चंस में मिसिंग है, मतलब ये एग्जामिनर्स ने नहीं डाला. तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन के बाद सेकेंड स्टेप जो होगा वो स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद इवेल्युएशन होगा, इवेल्युएशन के बाद फिक्सिंग द प्रायोरिटीज बाय द मैनेजमेंट, देन फाइनल अप्रूवल का मतलब है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट और फाइनली परफॉर्मेंस रिव्यू. ओके, तो ये आप बिल्कुल इस क्वेश्चंस को याद कर लीजिए. इसकी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं अगर इसको रेटिंग देता हूँ तो 5 स्टार रेटिंग का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको याद कर लीजिए बिल्कुल. ओके, उसके बाद जो है दूसरा जो आंसर है ये प्रश्न चंद्रा की बुक से है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. तो इसका पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेकेंड है असेंबलिंग ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट. ओके, असेंबलिंग इसने यूज किया है. उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, फिर प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट एंड अप्रोप्रिएशन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली जो है आपका परफॉर्मेंस रिव्यू. ओके, तो इन दोनों में देखिए, एक में 7 स्टेप्स हैं और एक में 5 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो पहला स्टेप दोनों में कॉमन है. यहाँ पर असेंबलिंग ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर आपका है स्क्रीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इवेल्युएशन ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. तो असेंबलिंग और डिसीजन मेकिंग इस स्टेप्स के ऊपर की जाती है. ओके, और फिक्सिंग प्रायोरिटीज, तो यहाँ पर जो 3 स्टेप्स हैं यहाँ पर 2 स्टेप्स के थ्रू कवर किया गया है. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.